बोलो क्या क्या चाहिए। सबसे पहले लिखिए 1 किलो तूर दाल। हाँ। 5 किलो पोहे। 5 किलो पोहे लगते हैं। पूरी सोसाइटी को बुला रही हो क्या कटोरा लेके? कल ही बड़ी ससुर जी आई थी, उनको पोहे खाने थे, पोहे नहीं घर पे, कैसा लगा वो? कीजिए 5 किलो कीजिए, जितना बोला उतना कीजिए। बात करे लगभग 5 किलो पोहे और 3 किलो मूंग दाल। बहू गर्मा गर्म चाय। सासू माँ जरा ये क्या है? नहीं ये क्या है? सासू माँ रुकिए जरा। ओ आप उठिए जरा, चाय करिए हमारे लिए। मैं इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ। क्या ऐसा इम्पोर्टेंट काम कर रही है? तो याद ही कर रही हूँ, अभी इनको भेजना है राशन लाने, खत्म हो गया सब। एक तो घर में दो और मुंह बढ़ गए खाने के, उनको भी चाहिए ना खाने के लिए। बड़ी सासू माँ गुड मॉर्निंग। क्या बोल रही थी शर्मिला? कुछ नहीं वो राशन की याद ही बता रही थी उनको। लो हम आए हुए एक ही दिन हो गया, आपके घर का राशन खत्म हो गया। ललिता हो उधर। याद ही कर रही हो राशन, करो करो याद ही करो। मेरे ये और आपके वो कहाँ गए? मंदिर गए दोनों सुबह सुबह। आप नहीं गए? कैसे जाएंगी, जुल्फों को करली भी करना होगा। बहुत अच्छे दिख रहे हो आप नई नई लुक में, कल एकदम गांव की गवार लग रही थी, पर आज शहर की मॉडर्न दिख रही हो। सोचा शहर में आ गए अब जरा सिटी टाइप वाइप आनी चाहिए मुझसे भी। तुम तो हो गए हो मॉडर्न, मुझे भी जरा होने दो मॉडर्न। बड़ा अच्छा दिख रहा है आपके ऊपर ये लुक खुमोलिक। नहीं अच्छा है अच्छा है। ओ जाइए ठीक है मैं जा रहा हूँ। और हाँ फोन करके मत बोलना ये भूल गई वो भूल गई, फोन नहीं उठाने वाला मैं। नहीं करूंगी आपको कॉल, जाइए। चिंता मत करो वो कुछ नहीं भूलेगा, जा बेटा जा। आगू भाई नमक बताना भूल ही गई मैं, जरा सी अकल नहीं इस मैनर्सलेस के अंदर। ओ क्या हुआ? ओ नमक लाइए नमक। सुनाई नहीं दे रहा? मीट मीट नमक लाइए 2 किलो। दो को जाना है तो अंदर जाओ ना, जा रहा हूं मैं। ओ क्या करो ये मान सर। बहुरिया ए बहुरिया चाय ला एक प्रोग्राम गरम, जा रही हूँ अभी शर्मिला के पास, शक्कर खत्म हो गई है। ले तेरी शक्कर फिर से खत्म हो गई? हाँ वैसे ही चलेगा ब्याह नहीं तो, उनको सारी सब्जियां बिना नमक की दूंगी। भाभी हाँ मेरा पानी गरम कर दिया आपने? हाँ कर दिया ना गरम, जाओ नहाओ। ठीक है मैं जाती हूँ नहाने के लिए। शीला सुबह सुबह शुरू क्या हुआ? ए पूरी जरा आ गई इधर, तुम्हारी बड़ी मम्मी तुमको बुला रही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है शर्मिला के घर पे कोई आया है? कल हम थोड़ा बाहर क्या चले गए, लगता है इसके घर में कोई घुस गया। मैं जरा आती हूँ देख। आने देना तुझको क्या करना है। बहुरिया नहीं सुधरेगी है। क्या हुआ चाची जी? ओए चाची क्या चाची, चाची नहीं हूं मैं तुम्हारी, ताई जी बोल, हिंदी नहीं आती। ललिता मैं तुमसे बड़ी हूँ, जेठानी हूँ तुम्हारी, ये मुझे चाची क्या बोल रही है? चाचा चाची होते हैं। बाबो हिंदी में ताई जी कहते या फिर बड़ी मम्मी। मैंने तो शीला को पहले ही बोल दिया था मोठी आई मोठी बाबा बोलो, कहती ऑड लगता है। खरस ललिता तेरी सुन भाई बहुत होशियार है। अच्छा नहीं वो हमें पता नहीं था। हिंदी नहीं आती तो यूज क्यों करती हो घर में? हिंदी क्या, उनकी फ्लाइट तो अमेरिका में चली गई है, बहुत अच्छी इंग्लिश गाने गाती है। सच में गाइए तो बेबी 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 ओ पहले ठीक से रिश्ते नाते समझो ललिता, बाद में इंग्लिश की तरफ मुड़ना। कब समझोगे तुम रिश्ते नाते, अभी बाल सफेद हो गए ना, कुछ दिनों में झड़ जाएंगे। आप उसकी चिंता मत कीजिए, मुझसे पहले आपका नंबर आएगा। हाँ चप्पलें भी बाहर है, 2 किस्म की है, लगता है कोई बुजुर्ग आदमी आया है शर्मिला के घर पे। सॉरी
आपने मुझे रोका क्यों? मैं नहाने जा रही थी। जाओ ना जरा जल्दी नहा के आओ, एक जरूरी बात करनी है मुझे तुमसे। क्या बात करनी है आपको? क्या बोलने बोलिए जल्दी। उससे बात करनी है तुमसे, नहीं तुम इतनी उतावली क्यों हो गई हो? हाँ जा जल्दी नहा के आओ, जाओ फटाक एकदम फास्ट। आती हूँ मैं नहा के। अभी प्रवीण पैदल ही गया होगा। हाँ बेचारा, हमारे धनंजय की इतनी अच्छी गाड़ी है ना, स्कॉर्पियो। चलो मैं जाती हूँ जरा बाहर। जब से आई है तब से मेरी बेटी के पीछे हाथ धके पड़ी है। काय बोल लीगा? कुछ नहीं। मुझे लगा ही था कोई ना कोई आया है। बड़ी चालू है शर्मिला, मुझे नहीं बताया मैं उसकी इतनी जिगरी दोस्त। भैया ऐसा लग रहा है बाहर कोई खड़ा है। शर्मिला कौन गिरी देखो ये। आ जाए चुचुंद्री गधे के नीचे। भाई 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 बहुत जोर से आ पड़ गई, लगा नहीं ना। कौन को भाई तू? हाँ मैं सुमित्रा, ये मेरी बड़ी ससुमा है। ससुमा राव दे लोगों के सामने संस्कारी बन तू बस। एक सास क्या कम थी जो दूसरी भी आ गई। ये यहाँ पे क्या कर रही थी? कान लगा रही थी। नहीं मैं कान वगैरह नहीं लगाती। कितना झूठ बोलेगी पापी ने, हमसे नहीं तो कम से कम ऊपर वाले से तो डर। ऐसा करती हो तू, लोगों के घरों पे कान लगाती है, अच्छा लगता है कहीं है? जेठानी जी वो रोज ही शक्कर मांगने आती है, कान तो 24 घंटे लगाती है, हमारे घर पे नहीं सभी घरों पे। क्यों आई है? वो शक्कर खत्म हो गई, थोड़ी शक्कर मिलेगी। शक्कर खत्म हो गई ठीक है लाती हूँ। थाम गा। नहीं है शक्कर। शक्कर है क्या हमारे घर में? शक्कर नहीं है। नहीं है शक्कर ठीक है कोई बात नहीं, कल आती हूँ मैं। कल आएगी तो मार खाएगी। शर्मिला ये क्या तरीका हुआ बात करने का? माना वो मुझसे बड़ी है इसलिए मैं उनका आदर करती हूँ, पर ऐसे बात करने का होता है? मैं ब्रांडेड हूँ। पहले तू सुधर जा, शक्कर मांगती है फ्री की, दूसरों के घरों की बातें सुनती है, अच्छा लगता है? शोभा देता है तुझे, बड़ी हो गई ना इतनी, संस्कार नहीं दी तुझे कोई? सुन भाई अब तक इसने कितनी शक्कर ली है? अब तक 20 किलो, बीच में 5 किलो दी थी मैंने वापस। ठीक है 5 किलो माइनस कर देते 15 किलो। अभी शक्कर चल रही है 40 रुपए किलो, उस हिसाब से 4 × 2 = 40 आणि ऊपर के 5-600 रुपए हो गए इसके चक्कर के। एक काम कर तू 600 रुपए ला। ठीक है देती हूँ, 600 रुपए चाहिए ना, देती हूँ 600 रुपए। नहीं लाने की कोई जरूरत, ला रही हो तो लाओ। 600 के 600 रुपए चाहिए मुझे, पैसे मांगती हो पैसे। शर्मिला ये लो मेरी बाटी तो वापस। हाँ ये लो तो मेरी बाटी, पैसे मांगती है। चलो तुम्हारे जो शक्कर का कर्जा था वो मैंने चुकता कर दिया। चीनी का तो हो गया, पर चीनी के साथ साथ तुम चाय पत्ती भी लेने आती हो, दही भी लेने आती हो, दूध भी लेने आती हो। माफ कर दिया मैंने, सब माफ कर दिया। माफ कर दिया चल जा। शर्मिला यार मेरा चश्मा तो पहने तुम। तुम कुछ भी कर लो मैं तुमको ये नहीं दूंगी। ये कौन आ गया? ये तो मिस ब्यूटीफुल का आवाज है। दो ना शर्मिला, तुमको पता है ना मुझे कितना पसंद है वो। ना 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 नलायक, तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ, हिम्मत तो लेकर दिखाओ। ओए बाबा बाबू। शर्मिला जी आपने मेरी बड़ी ससुमा को फेंक के मारा। वो फेंक के मारा? तू ए व्हाइट एंड रेड साड़ी, कितने जोर से मारा मुझे? माफ कर दीजिए वो गलती से गिर गया। कौन है ये? चलिए ना अंदर चलिए, क्यों ऐसा कर रही हो? सासुमा रहने दीजिए, बड़ी सासुमा को बहुत छोटा ही है, बहुत जोर से लगा ना। ये सासुमा हमेशा शर्मिला जी की साइड लेती है। वही है ना वो नल्ली घूम रही 3 साल से। तू ही ना वो कि आप उसको छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दे? नहीं उन दोनों को क्यों छोड़ दे? गॉगल मार रहा है ऊपर से मुझे, इतना जोर से लगा, टेंगुल आ गया। नहीं क्यों छोड़े, मैं नहीं छोड़ने वाली इनको।
है कौन ये दोनों? पति पत्नी? नहीं नहीं, शादी हो गई है इसलिए ऐसे मचल रहे बाहर आके। नहीं नहीं, शादी नहीं हुई दोनों की। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड? वो दोस्त है दोनों। दोस्त है? दोस्त हो ही नहीं सकते। कोई दोस्त नहीं है, पूरी सोसाइटी को पता है दोनों का लफड़ा चल रहा है। क्यों, लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते? तुम मुझे मत बताओ ललिता, तुमने क्या किया है मुझे पता है। दोस्त हो ही नहीं सकते, जरूर कुछ आगे का बात है। क्यों लफड़ेबाज? गुस्सा तो देखो नाक पे आ रहा है इसके। और तो अच्छा सुनिए ना, वो गॉगल मेरा दीजिए ना वापस। क्या? मेरा गॉगल नीचे पड़ा है आपके यहाँ पे, देखिए ना जरा, वो इसने फेंका था। चल निकल, नहीं दूंगी तेरा गॉगल, बहुत जोर से लगा है मुझे। काहे का है तेरा गॉगल? हाँ ये ना तेरा गॉगल। शुरू हो गया धमाका, फिर से आ गई क्या? सुमित्रा मिस कर दिया तुमने, इतनी जल्दी खत्म भी हो गया। मैं चिप्स लेके आई थी, मिस हो गया मेरा। ये फिर से आ गई? ए, अभी तो रो रो के घर में गई थी ना, वापस आ गई तो? हाँ वो अभी धमाका शुरू हो गया ना, इसलिए फिर से आ गए। कहाँ से लाया भगवान ने इसको? मैं इस दुनिया की हुई नहीं, ब्रांडेड दुनिया से हूँ मैं। हम सब ब्रांडेड दुनिया से है। तो जाना अपनी दुनिया में, हमारी दुनिया में क्या कर रही है इच्छाधारी ब्रांडेड? वो तो आप जैसे उनको दिखाने के लिए ब्रांडेड लोग कैसे होते हैं इसलिए आई हूँ। ब्रांडेड क्या होते हैं? ब्रांडेड मतलब हम सब ब्रांडेड चीजें यूज करते हैं, टूथ ब्रश से लेके टॉयलेट का ब्रश तक सब ब्रांडेड होता है हमारा। अच्छा ब्रांडेड लोग शक्कर भी मांगते हैं, ब्रांडेड लोग दूसरों के घरों पे कान भी लगाते हैं, ब्रांडेड लोग चुगलियां भी करते हैं, ये सब भी ब्रांडेड के गुण है क्यों? बस बहुत हुआ। नहीं नहीं, शीला की बड़ी मम्मी बहुत हुआ, अब मैं दिखाती हूँ आपको। सासू माँ बुला बुला, जिसको बुलाना है उसको बुला, मैं भी नहीं डरती। सासू माँ जल्दी अपना हथियार लेके बाहर आइए। आप कौन सा हथियार? उनके फैमिली का मुंह ही उनका हथियार है। हाँ मुझे देख के पता चल गया इनकी फैमिली के मुंह का ही प्रॉब्लम है। का हुआ रे? ये देखो ना, ये बार बार आपके बहू को जिल्लत के लड्डू खिला रही है। तुम्हें से देख रही हूँ मैं उनको बार बार मुझे। काओ इधर देखिए हमारी तरफ, हम भी बहुरे को काका बोलिया। तुम चीजी सुनवाई आई ना, उसके कान जरा संभाल के रखना, हमारे घर के दरवाजों पे उसके कान लगते हैं, चक्कर मांगने आती है अफ्रीका।